हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चटपटी तहरी, वो भी मटर और सोयाबीन की। तो इसको हमने कैसे बनाया है फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए हमने सोयाबीन ले ली है, मटर ले लिए हैं, कुछ हमने गरम मसाले लिए हैं। तो देखिए, हमने 4 लौंग, 2 इलायची, जीरा, जावित्री और बड़ी इलायची भी ले ली है। और चावल को हमने भिगो दिया था आधा घंटे पहले। अब हम गैस को ऑन करेंगे, गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकती हैं, या सिर्फ देसी घी में बनाना चाहें तो आप देसी घी भी डाल सकती हैं। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सोयाबीन फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम सोयाबीन को भून लेंगे। आप सभी लोग पूरी रेसिपी देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, सोयाबीन हमारी भुन रही है और भून कर रेडी हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिले। तो देखिए, हमारी सोयाबीन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। थोड़ा सा हम देसी घी भी डाल देंगे तो इससे हमारी तहरी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तहरी खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो हमारा देसी घी भी पूरी तरह से गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज, जो कि हमने काट के रखे थे। 2 बड़े प्याज हमने लिए थे, तो लंबी पीस हमने काटी है प्याज की। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसमें हम गरम मसाले भी डालेंगे, जो हमने खड़े मसाले लिए थे। तो खड़े मसाले में हमने जो लिया था, दालचीनी का टुकड़ा भी है एक, जीरा, जावित्री, बड़ी इलायची और 4 लौंग और 2 छोटी इलायची हरी वाली। तो ये सब हम डाल के अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम लंबी पीस में हरी मिर्ची काट के डाल देंगे, इसको भी हम भून लेंगे। देखिए, मसाला हमारा प्याज जो है अच्छे से पक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। ये हमने 2 टमाटर लिए थे, दोनों टमाटर हम डाल देंगे। और अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए हमने 1/2 कटोरी दही लिया है। दही में हम डालेंगे हल्दी और धनिया 2 चम्मच। 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, थोड़ा ही डालेंगे। 1 चम्मच बड़ा हम लाल मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाल दी है इसमें। और अब हम ले लेंगे स्वादानुसार नमक। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है। आप चम्मच की मदद से इसको धीरे धीरे से मिक्स कर लेना, बहुत जल्दी हो जाता है ये। तो देखिए, हमारा मिक्सचर रेडी होने वाला है। बस इस तरह से आप अगर तहरी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे और इसको भूनेंगे। थोड़ा सा पानी भी हम कटोरी में लेके धुल के कटोरी डाल देंगे इसी में, और इसको हम तेल छोड़ने तक अच्छे से पकाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी ये मसाला भी हमारा पक जाएगा। मसाला आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, मसाले को अच्छे से ही पकाना है। कच्चे मसाले से जब हम खाना पकाते हैं, कच्चा मसाला रह जाता है, तो सब्जी हो, तहरी हो, कुछ भी हो, उसका स्वाद नहीं आता फ्रेंड्स। तो मसाले को पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, मसाले से तेल निकलना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे सोयाबीन। सोयाबीन को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। मटर को भी हम अच्छे से चला चला के भून लेंगे। मटर और सोयाबीन हमारा देखिए भून रहा है। और ये सारे हमने चावल डाल दिए हैं, जो चावल हमने भिगो के रखे थे। ये हमने पुलाव वाला चावल लिया है। चावल आप चाहें तो घर का चावल भी यूज़ कर सकती हैं, नॉर्मल चावल जो हम लोग खाते हैं, आप उससे भी इसको बना सकती हैं बहुत आसान तरीके से। बस उसको आपको भिगोना नहीं रहेगा। ये पुलाव वाला चावल, इसको हमने भिगो दिया था, तो आप उसको ऐसे भी बना सकती हैं, और चाहें तो भिगोकर भी बना सकती हैं। तो देखिए, हमने इसमें सब कुछ तो डाल दिया है, नमक भी हमने डाल दिया है। अब हम इसमें सिर्फ डालेंगे पानी। पानी हम 2 गिलास के करीब हमने चावल लिए थे, तो हम इसमें 3.5 गिलास के करीब पानी डालेंगे, क्योंकि चावल हमारा भीगा हुआ था, इसलिए हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा देंगे और इसको चला देंगे। तो अभी हमारी तहरी पकी नहीं है, अभी पकने में टाइम है। हम इसको फिर से ढक देंगे
और 5 मिनट के बाद फिर से हम इस ढक्कन को हटाएंगे तो देखिए हमारी तहरी बनकर तैयार है। बिल्कुल खिली खिली सी तहरी हमारी बनकर रेडी हुई है। आप इसको चाहें तो दही के साथ, अचार के साथ, जैसे भी चाहें आप खाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।